शी जिनपिंग पिछले साल जब दूसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने तब उन्होंने कहा था कि 2050 तक दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री खड़ा करना चाहते हैं। अत्याधुनिक हथियार और वेपन टेक्नोलॉजी के मामले में चीन लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस बार खबर यह है कि चीन न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट बनाने में लगा हुआ है। चीन की CSIC ने घोषणा करते हुए कहा कि 2025 तक हाई टेक्नोलॉजी वेपन उपलब्ध करा देगी। चीन में CSIC सबसे बड़ी नेवल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। CSIC कंपनी की वेबसाइट पर न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट की बात कहीं नहीं कही गई है, लेकिन चीन की कई वेबसाइट ने इसका दावा किया है। ग्लोबल टाइम्स ने जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं उसमें कहा गया है कि हमें न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर की सफलता के लिए गति देना चाहिए। नए स्टाइल की न्यूक्लियर सबमरीन, छोटी सबमरीन और अंडर वाटर डिफेंस सिस्टम पर जोर देना होगा। हालांकि CSIC ने ग्लोबल टाइम्स की इस खबर का खंडन नहीं किया है। CSIC ने चीन का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट तैयार किया था, जिसे पिछले साल अप्रैल में लॉन्च किया गया था। ये एयरक्राफ्ट चीन की नौसेना में 2020 तक शामिल हो जाएगी। CSIC ने अपने पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट को लिया ओनिंग डिजाइन की तरह ही तैयार किया है, जो चीन ने 1998 में यूक्रेन से खरीदा था। चीन अब अपने तीसरे एयरक्राफ्ट को बनाने में भी जुटा है, जिसकी टेक्नोलॉजी पूरी तरह से स्वदेशी है। पिछले एक साल में चीन ने अपने नौसेना में जबरदस्त ढंग से विकास किया है और विस्तार किया है। इसी वजह से साउथ एशिया और साउथ चाइना सी में चीन की गतिविधियां भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। टीम न्यूज़ नाउ।